हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्नो ट्रीटमेंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही कमाल का कर्नल मैनेजर, जिसका नाम है फ्रेंको कर्नल मैनेजर। फ्रेंड्स, ये कर्नल मैनेजर गेमिंग के लिए तो अच्छा है ही, ये बैटरी बैकअप के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो मेरे दोस्त पबजी खेलते हैं या कोई और गेमिंग करते हैं, वो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। और जो ट्रैवलर हैं, जिनको बाहर आना जाना होता है और बैटरी बैकअप की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों ही सेटिंग्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंको कर्नल मैनेजर की सेटिंग्स देख लेते हैं। मैंने फ्रेंको कर्नल मैनेजर को इंस्टॉल कर रखा है। प्ले स्टोर पर इसका पेड वर्जन है, अगर आपको फुल वर्जन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ये अवेलेबल मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंको कर्नल मैनेजर को ओपन कर लेते हैं। ये आपसे सुपर यूज़र की रिक्वेस्ट ग्रांट करने को बोल रहा है, तो आप इसको ग्रांट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको CPU पे क्लिक करना है, आपको CPU गवर्नर क्लिक करना है और यहाँ से इसको परफॉर्मेंस सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको मैक्सिमम CPU फ्रिक्वेंसी को ऑन कर देना है, ये लिटिल क्लस्टर के लिए था। सिमिलरली आपको बिग क्लस्टर के लिए भी करना है। CPU पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर परफॉर्मेंस को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद मैक्सिमम CPU फ्रिक्वेंसी को ऑन कर लीजिए। अब यहाँ से बैक हो जाइए, उसके बाद GPU पर क्लिक कीजिए, GPU गवर्नर पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको मैक्सिमम GPU फ्रिक्वेंसी को इनेबल कर देना है। अब यहाँ से बैक हो जाइए। अब यहाँ पर थ्री लाइंस पे जो आपको राइट बॉटम कॉर्नर में दिख रही हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से पर ऐप प्रोफाइल्स पे क्लिक कीजिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पबजी के लिए या जो आपकी कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक गेम है उसके लिए पर ऐप प्रोफाइल बनाएंगे, कि जैसे ही आप उस ऐप को, उस गेम को ओपन करें, ये सेटिंग ऑटोमेटिकली वहाँ पर अप्लाई हो जाए। इसके लिए आपको वाइवस स्टेटस को अनचेंज कर देना है, लोकेशन मोड ऑफ रहेगा, डिस्प्ले ओरिएंटेशन नेटिव रहेगी। डिस्प्ले ओरिएंटेशन को आपको यहाँ पर अनचेंज कर देना है, मैक्सिमम डिस्प्ले ब्राइटनेस को आपको यहाँ पर अनचेंज कर देना है। उसके बाद आपको कर्नल पैरामीटर्स पे आना है, लिटल क्लस्टर मैक्सिमम CPU फ्रिक्वेंसी इसको आप मैक्सिमम सेट कर दीजिए, लिटल क्लस्टर GPU गवर्नर को आप परफॉर्मेंस सिलेक्ट कर दीजिए, बिग क्लस्टर के लिए भी सेम ही करना है, मैक्सिमम और परफॉर्मेंस सिलेक्ट करना है, GPU गवर्नर को भी आपको परफॉर्मेंस सिलेक्ट करना है और GPU की जो फ्रिक्वेंसी है मैक्सिमम, उसको भी मैक्स कर दीजिए। अब यहां पर है थर्मल प्रोफाइल, ये फ्रेंको कर्नल मैनेजर का बहुत ही यूनिक ऑप्शन है। फ्रेंको कर्नल मैनेजर आपको बहुत सारे थर्मल्स प्रोवाइड करता है, अगर आप पबजी प्ले कर रहे हैं तो आप पबजी को चूज़ कर लीजिए, अगर आप कोई और गेम प्ले करना चाहते हैं तो डायनेमिक इवेल्युएशन को क्लिक कर लीजिए, और अगर आप फ्रेंको कर्नल यूज़ करने के बाद आपको हीटिंग इशू आ रहा है फ़ोन में, तो आप नोट सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से इसको सेव कर देना है, सेव करने पे आपसे पूछेगा किस नाम से आपको सेव करना है, तो मैं यहाँ पर गेमिंग के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हैं, बस बट स्पेस मत दीजिएगा। अब यहाँ से आप अप्लाई पे क्लिक कीजिए, यहाँ से इनेबल पे क्लिक कीजिए, अब यहाँ पर मोर डाउनलोड सर्विसेज पे क्लिक कीजिए, ये एक्सेसिबिलिटी परमिशन ले रहा है फ्रेंको कर्नल मैनेजर, तो इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको परमिशन अलाउ कर दीजिए। उसके बाद बैक हो जाइए। अब ऐप्स की लिस्ट में से पबजी को सर्च कीजिए और गेमिंग सेट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर पबजी पर गेमिंग प्रोफाइल सेट हो गया है। एडिटर पे अगर आप आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारा प्रोफाइल है, अगर आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो आप इस प्रोफाइल को दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए और ये स्टेटस मैसेज है, इसको इनेबल कर दीजिए। ये फ्रेंको की इंटरनल सेटिंग्स तो कम्प्लीट हो चुकी हैं, अब थोड़ी एक्सटर्नल सेटिंग्स कर लेते हैं। आपको फ्रेंको का पर प्रोफाइल आइकन जो है वो टाइल्स में ऐड करना है, तो इसके लिए आपको एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे ये रहा पर एफ प्रोफाइल,
इसको आप क्लिक कीजिए और उठाकर ऊपर ले आइए। अब डन कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर आइकन आ गया। अभी ये परफॉर्मेंस पे है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए बैटरी हो गया। अगर मैं इस पर एक बार और क्लिक करूँगा तो ये बैलेंस हो गया है। मैं अगेन इस पर क्लिक करूँगा तो ये फिर परफॉर्मेंस हो जाएगा। अब आपको एक लास्ट स्टेप करना है। फ्रेंको कर्नल मैनेजर को प्रेस एंड होल्ड कीजिए, ऐप इन्फो में आइए और उसके बाद इसको ऑटो स्टार्ट की परमिशन ग्रांट कर दीजिए और उसके बाद बैटरी सेवर को आप नो रिस्ट्रिक्शन पे सेट कर दीजिए और यहाँ से बैक हो जाइए। आपकी फ्रेंको कर्नल मैनेजर की सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने ये सेटिंग्स पोको F1 डिवाइस पे की हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, अगर आपकी डिवाइस लो रैम वाली है, मीन्स आपकी डिवाइस का रैम 1 GB या 2 GB है, तो आपको यहाँ पर सिंपली क्या करना है, दोबारा से राइट बॉटम कॉर्नर में 3 लाइन्स पे क्लिक करना है। उसके बाद कर्नल सेटिंग्स में आना है। कर्नल सेटिंग्स में आने के बाद आपको मेमोरी पे आना है और यहाँ से जो हमारा ये देखिए जेड रैम है, मतलब जी रैम है, इसका साइज़ जो आपको दिख रहा है यहाँ पर 1024 MB, आपको इसको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 2048 MB सिलेक्ट करके इसको टर्न ऑन कर देना है। ये उन्हीं के लिए है जिनका रैम बिलो 4 GB है, मीन्स 1 GB है, 2 GB है। अगर आपका रैम 4 GB है या अबव है तो आपको ये यूज़ नहीं करना है, ये आपको लैग देगा पबजी के अंदर। और मैं आपको कुछ और सेटिंग्स भी बताना चाहूँगा। अगर आपके पास फ्रेंको कर्नल मैनेजर है तो आपको किसी भी FPS मीटर की ज़रूरत नहीं है, आपके पास यहीं पर सारे मीटर्स अवेलेबल होते हैं। मीटर्स चेक करने के लिए आपको लाइव मोनीटर पर क्लिक करना है। लाइव मोनीटर पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर की तरफ इसको लेफ्ट में स्लाइड करना है और परफॉर्म पे क्लिक करना है। आपको फर्स्ट ऑप्शन को ऑन कर देना है। अब ये आपसे डिस्प्ले और अदर ऐप्स की परमिशन ले रहा है तो आप इसको ग्रांट कर दीजिए। यहाँ से बैक हो जाइए। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए, सॉरी इसको ऑन कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर कंपोनेंट्स विजिबिलिटी है। ये CPU है, GPU, RAM, FPS। आपको जो भी चाहिए आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर FPS को ऑन करता हूँ तो देखिए FPS अवेलेबल हो गया है डिस्प्ले के ऊपर। मैं दोबारा से FPS में जाता हूँ तो देखिए यहाँ से आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंको कर्नल मैनेजर की सेटिंग्स फॉर गेमिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं जो लेके आने वाला हूँ वो पिंग फिक्स के ऊपर है। चाहे वो आपकी पबजी की पिंग हो या COD की पिंग हो या किसी भी गेम की पिंग हो, पिंग आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको बेटर सर्विस दे रहा है और आपको पिंग अच्छी नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आपको जो मैं सॉल्यूशन दूंगा वो आपकी पिंग को नॉर्मल कर देगा। आप मेरा यकीन मानिए, कोई भी ऐसा मॉड्यूल नहीं है जो इतना पिंग को नॉर्मल कर पाएगा आपका। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।